गुजरात में पीएम मोदी ने किया शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण, कहा प्रतिमा के सामने बैठना दिव्य अनुभूति। एनसीबी दफ्तर पहुंचे आरन खान, जेल की शर्तों का किया पालन, 30 अक्टूबर को हुए थे रिहा। सीएम योगी का आजमगढ़ दौरा, आज गृह मंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों के लेंगे जायजा, 13 नवंबर को होगा शाह का दौरा। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा बेहद खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 के पार, स्थिति गंभीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। खबरों की शुरुआत बड़ी जानकारी से करेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, विधायक राकेश सिंह के अनशन का आज दूसरा दिन, जीपीओ गांधी प्रतिमा स्थल पर आमरण अनशन जारी है। अपनी मांगों को लेकर अनशन पर राकेश सिंह, अपने क्षेत्र की 2 सड़कों के निर्माण की मांग है, धरना स्थल पर बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है लखनऊ से। आपको बता दें कि यहाँ पर विधायक राकेश सिंह के अनशन का दूसरा दिन है, जीपीओ गांधी प्रतिमा स्थल पर आमरण अनशन किया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर अनशन पर राकेश सिंह बैठे हुए हैं। बता दें कि 2 सड़कों के निर्माण की मांग है उनकी और लगातार ये मांग वो करते आए हैं, लेकिन 2 दिनों से अनशन पर बैठ गए हैं। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की लखनऊ से मिल रही है, जहाँ पर अपनी मांगों को लेकर अनशन पर विधायक राकेश सिंह, 2 सड़कों के निर्माण कार्य को लेकर मांग की जा रही है, लेकिन ये मांग पूरी नहीं हो रही है। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाबा केदार के धाम पहुंचे, जहां उन्होंने पहले केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, इसके बाद आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण भी किया। बता दें कि केदारनाथ में शंकराचार्य की 12 फीट लंबी और 35 टन वजन वाली प्रतिमा स्थापित की गई है। साथ ही पीएम मोदी ने शंकराचार्य के समाधि स्थल का भी लोकार्पण किया, जो 2013 की प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था। वहीं इस दौरान पीएम ने वहां मौजूदा लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी आदि शंकराचार्य जी की समाधि की पुनः स्थापना के साक्षी बन रहे हैं। ये भारत की आध्यात्मिक समृद्धि और व्यापकता का बहुत अलौकिक दृश्य है। आज सभी मठों, 12 ज्योतिर्लिंगों, अनेक शिवालयों, शक्ति धाम, अनेक तीर्थ क्षेत्रों पर देश के गणमान्य महापुरुष, पूज्य शंकराचार्य, परंपरा से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ ऋषि मुनि और अनेक श्रद्धालु भी देश के हर कोने से केदारनाथ की पवित्र भूमि के साथ हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। पूजनम चैविना जानामि क्षमस्व परमेश्वरम, इसलिए मैं हृदय से ऐसे सभी व्यक्तियों से माफी मांगते हुए इस पुण्य अवसर पर देश के कोने कोने से जुड़े शंकराचार्य, ऋषिगण, महान संत परंपरा के सभी अनुयायी, आप सबको यहीं से प्रणाम करके मैं आपका आशीर्वाद मांगता हूं। साथियों, हमारी उपनिषदों में आदि शंकराचार्य जी की रचनाओं में कई जगह नेति नेति, जब भी देखो नेति नेति, एक ऐसा भाव विश्व नेति नेति कहकर एक भाव विश्व का विस्तार दिया गया है। रामचरितमानस को भी अगर हम देखें तो उसमें भी इस बात को दोहराया गया है, अलग तरीके से कहा गया है। रामचरितमानस में कहा गया है कि अभिगत अकथ अपार, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह, नेति नेति नित निगम कह, अर्थात कुछ अनुभव
इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहां के कण कण से जुड़ जाता। वहीं बिहार के गोपालगंज, बेतिया, मुजफ्फरपुर में संदिग्ध मौतों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। तेजस्वी यादव ने गुरुवार को कहा कि मुजफ्फरपुर में 5 दिन पहले जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत हुई थी। बुधवार और गुरुवार को गोपालगंज में 20 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा बेतिया में 13 लोगों की मौत हुई। उन्होंने कहा कि जो लगातार मौतें हो रही हैं, उनके शवों को पुलिस बिना पोस्टमार्टम के जला रही है। ये गंभीर आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में राजनीति भी बखूबी हो रही है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए राहुल मेरे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, बिहार के अलग अलग इलाकों में लगातार जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान चली गई है। बीते अगर 3 से 4 दिनों की बात करूं तो 22 से ज्यादा संख्या हो गई है। जी काजल जी, बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा जो बिहार में शराबबंदी लागू कानून लागू किया गया था वो पूरी तरह से सफल नजर नहीं आ रहा है जी, क्योंकि लगातार बिहार में कई जगहों पे जहरीली शराब पीने से मौतें आ रही है। ये सरासर बिहार सरकार के शराबबंदी कानून पर ये विफल है। ये पूरी तरह से शराबबंदी कानून बिहार सरकार का विफल है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी कानून तो लागू कर दिया गया लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा इसको पूर्ण रूप से नहीं कराया जा पा रहा। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही कहें या बिहार सरकार की मोनोपोली कहें कि बिहार में शराबबंदी कानून को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल राहुल, एक तो शराबबंदी होने के बावजूद भी शराब वहां पर बिक रही है, ऊपर से जहरीली शराब है, मौतों का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जो है वो बिना पोस्टमार्टम के ही अंतिम संस्कार कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो भी शक के निगाह से देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस प्रशासन अगर अपनी कार्य को खूबी निभाए तो इस तरह की घटनाएं नहीं घटित होगी, लेकिन पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से ही ऐसी घटनाएं घटित हो रही है। लोग शराब पीकर मर रहे हैं और क्षेत्र में शराब बिक रही है। अगर शराबबंदी कानून लागू हुआ है तो फिर शराब मिल कहां से रहा, यह सबसे बड़ा सवाल है। राहुल, लगातार संख्या बढ़ रही है मौत की। ऐसे गांव है जहां पर जहरीली शराब की वजह से लोगों की जान जा रही है, जहां पर मातम पसरा हुआ है। इस समय त्योहार है, कल दिवाली का त्योहार था, आज गोवर्धन पूजा है, कल भाई दूज है। ऐसे त्योहार के मौके पर कई गांव ऐसे जहां पर मातम पसरा हुआ है, क्या उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है? क्या अधिकारी वहां पहुंचे हैं, बातचीत की जा रही है और सरकार क्या कह रही है? क्योंकि सरकार तो अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने तो बिहार में शराबबंदी की हुई है। जी जी, इसमें देखिए, ये सुध लेने की तो बात दूर की है, ये कोई नहीं सोचता है कि गरीब परिवार अपनी रोटी रोजी कैसे चलाता है और शराब के वजह से मौत हो रही है। इसमें पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इसको पूर्ण रूप से लागू कराया जाए। ठीक है राहुल, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो जहरीली शराब का जो आंकड़ा है मौतों का वो लगातार बढ़ रहा है। 22 से ज्यादा मौतें बिहार में जहरीली शराब पीने से हो चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार ने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन विपक्ष इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर नीतीश पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं कि उन्होंने शराबबंदी की है, उसके बावजूद भी शराब बिक रही है, शराब पी जा रही है, शराब दुकानों पर जा रही है, जहरीली शराब बन भी रही है, कई शराब की जो भट्टियां हो पहले भी नष्ट की जा चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे। और ऐसा पहला मौका नहीं, इससे पहले भी बिहार से ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आई हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर प्रशासन क्यों बिना पोस्टमार्टम के शवों का अंतिम संस्कार करवा रहा है? यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन कर चुकी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव में मऊ सीट से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को समर्थन देने की घोषणा की है। राजभर ने बताया कि विधायक मुख्तार अंसारी से 2 दिन पहले उनकी बांदा जेल में मुलाकात हुई थी और तब राजनीति गर्मा गई थी।
उन्होंने अंसारी का खुलकर समर्थन करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा और सुभाषपा गठबंधन की तरफ से मुख्तार अंसारी को समर्थन दिया जाएगा। राजभर ने कहा कि मुख्तार अंसारी पर निर्भर करता है कि वो सुभाषपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हैं या फिर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। तो एक तरफ वो माफिया, दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर जा रहे हैं, जेल में मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही ये कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ वो जब थे, जब वो माफिया नहीं थे, लेकिन बाद में अब वो मसीहा बन चुके हैं। और उनका ये भी ऐलान कर दिया गया है कि अगर मुख्तार अंसारी चाहें तो निर्दलीय से चुनाव लड़ सकते हैं या फिर वो हमारे टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, हमारी पार्टी में उनका पूरी तरह से स्वागत है। तो जहां एक तरफ योगी सरकार ऐसे डॉन माफियाओं पर शिकंजा कस रही है, उन्हें जेल में डाल रही है, तो वहीं चुनाव आते आते कई पार्टियां ऐसी हैं, अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो सुभाषपा की बात करें तो ये सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। जेल में मुलाकात करते हैं, फिर बड़े ऐलान करते हैं, राजनीति गर्माती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होता है, उसके बावजूद भी ओम प्रकाश राजभर पर शायद इसका कोई असर नहीं पड़ता है। अब उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि मुख्तार अंसारी जहां से चाहें वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, अगर चाहें तो हमारी पार्टी से, अगर ना चाहें तो निर्दलीय से वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुभाषपा सपा से गठबंधन कर चुकी है, ऐसे में जो ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया वो ये है कि सुभाषपा और सपा की तरफ से हम मुख्तार अंसारी का पूरी तरह से सहयोग करते हैं, लेकिन अभी सपा की तरफ से इसको लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि जहां एक तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया है, तो दूसरी तरफ दूसरी पार्टियां मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी में शामिल करने की बात कह रही है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा ऐलान सामने आया, चुनाव में मुख्तार अंसारी का समर्थन करने के लिए सुभाषपा पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि दो दिन पहले ही वो जेल में मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, मुख्तार अंसारी से मुलाकात की, उसके बाद माफिया डॉन को मसीहा बताते हुए ओम प्रकाश राजभर नजर आए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को आजमगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं, वो गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लेंगे। इसे लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं, हेलीपैड के निर्माण, बैरिकेडिंग, स्विस कॉटेज तथा बैठक के लिए कैंप कार्यालय की स्थापना की जा रही है, पूरा प्रशासनिक अमला तैयारियों में ही जुटा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह 13 नवम्बर को आजम बांध में राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे, पूरा प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुटा हुआ है। तो शुक्रवार को उनका हेलीकॉप्टर सीधे आजमगढ़ स्थित कार्यक्रम स्थल पर बने हेलीपैड पर उतरेगा। सीएम के आगमन के मद्देनजर डीएम राजेश कुमार ने सभी विभागों के अधिकारियों का अवकाश भी निरस्त कर दिया है। तो योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं, गृहमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों की जायजा लेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चकमोर साहिब में बसेरा स्कीम अधीन झुग्गी झोपड़ियों में जीवन बसर कर रहे करीब 200 से ज्यादा लाभार्थियों को अस्थायी आवास के पक्के मालिकाना हक दिए हैं। मुख्यमंत्री चन्नी ने खुद इंदिरा कॉलोनी के कुछ गरीब लोगों के घरों में जाकर दीप जलाए और उनको घरों के मालिकाना हकों की सनद भी सौंपी है। इसके बाद बाकी लोगों को सिटी सेंटर में कराए गए समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने इंदिरा कॉलोनी के निवासियों को घरों के मालिकाना अधिकारों की रजिस्ट्री दी। यहां मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में राज्य सरकार की जमीन पर झुग्गी झोपड़ियों में रहते परिवारों को मालिकाना अधिकार देने की बसेरा स्कीम के द्वारा जरूरतमंद लोगों का अपना घर होने का सपना पूरा हो रहा है। तो दिवाली पर पंजाब सरकार की तरफ से कुछ लोगों को दिवाली का तोहफा दिया गया है, 200 से ज्यादा लाभार्थियों को अपने घर दिए गए हैं। जमानत पर बाहर आए बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान के बेटे आरन खान आज अपनी हाजिरी लगाने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफिस पहुंचे। उनके साथ शाहरुख खान के बॉडीगार्ड भी मौजूद थे। आरन खान जमानत पर बाहर हैं। मुंबई हाई कोर्ट ने आरन खान को सशर्त जमानत दी है। इसके अनुसार हर शुक्रवार को उन्हें सुबह 11 से 2 बजे के बीच मुंबई स्थित एनसीबी दफ्तर में हाजिरी देनी ही होगी। आरन खान 30 अक्टूबर को जेल से बाहर आए थे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गौसेवा और गायों के लिए गौशाला बनाने की तो बहुत बातें करती हैं, लेकिन ये सेवा सिर्फ कागजी होती है या फिर इसका जमीनी स्तर से भी कोई लेना देना होता है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लगातार गौवंश के भूख और प्यास के मरने की वजह से खबरें सामने आती हैं। वो सरकार की व्यवस्थाओं पर एक बार फिर से सवाल खड़ा करती हैं।
आज फिर ऐसा ही एक मामला सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ तहसील के नगर पंचायत स्थित मिल कॉलोनी से आया, जहां पर भूख प्यास से तड़पकर गौवंश मर रहे हैं, वहीं कौवे बीमार पशुओं की आंखें फोड़ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जिस तरह से गौवंशियों की इतनी दर्दनाक मौत हो रही है, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? आपको बता दें कि करीब 78 गौवंश पशुओं की पहले यहां पर टैगिंग हुई थी, जिनमें से मौके पर 37 पशु ही जीवित रह गए हैं, यानी कि एक बड़ी संख्या में गौवंशों की तड़प तड़प कर मौत हो रही है, जिसके कई वीडियोस सामने आ चुके हैं, लेकिन अधिकारी अब भी चुप्पी साधे हैं या शायद आंखें मूंदे बैठे हैं। गाजियाबाद में दिवाली में पटाखे जलाने के बाद पूरा गाजियाबाद धुआं धुआं हो गया, जिसके चलते गाजियाबाद देश में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। आपको बता दें कि कल दिवाली के चलते खूब आतिशबाजी हुई, शाम से लेकर रात 12 बजे तक पटाखे फोड़े गए, जिससे चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था और वायु गुणवत्ता सूचकांक रात 12 बजे 441 पर पहुंच गया था, यानी कि गंभीर स्थिति में। आपको बता दें कि कई इलाकों में पटाखों पर पूरी तरह से बैन था, लेकिन उसके बावजूद भी नियमों को नजरअंदाज कर दिया गया और लोगों ने खूब पटाखे जलाए हैं, आतिशबाजियां की हैं, जिसकी वजह से जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता गया। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप अभी बरकरार है, देश में अभी भी बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं, वहीं कल 221 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद अब तक मरने वालों की संख्या जो है वो 4 लाख से ज्यादा है। केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 12,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। देश में इस वक्त सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1 लाख से ज्यादा है। देश में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कल कोरोना की 5 लाख से ज्यादा डोज दी गई, जिसके बाद देश में अब तक 107,70,46,116 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो 24 घंटों में कोरोना के 12,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं, 221 संक्रमितों की मौत हो रही है। तो अभी भी जो आंकड़ा है वो शून्य नहीं हुआ है, लेकिन लोग लापरवाह होते हुए जरूर नजर आते हैं। कोरोना से अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, 221 जो लोग हैं वो भी संक्रमित बताए जा रहे हैं, यानी आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लोग इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। त्योहार के मौके पर बाजारों में काफी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। गोवर्धन पूजा को लोग अन्नकूट पूजा के नाम से भी जानते हैं। दिवाली के अगले दिन यानी कि आज गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस दिन गोवर्धन पर्वत, गौधन यानी गाय और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। इसके साथ ही वरुण देव, इंद्रदेव और अग्निदेव आदि देवताओं की पूजा का भी विधान है। गोवर्धन पूजा में विभिन्न प्रकार के अन्न को समर्पित और वितरित किया जाता है, इसी वजह से इस उत्सव या पर्व का नाम अन्नकूट पड़ा है। इस दिन अनेक प्रकार के पकवान, मिठाई से भगवान को भोग भी लगाया जाता है। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई। इसमें हिंदू धर्मावलंबी घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन नाथ जी की अल्पना बनाकर उनका पूजन करते हैं। उसके बाद गिरिराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग भी लगाया जाता है। इस दिन मंदिरों में अन्नकूट किया जाता है। ये है कथा। गोवर्धन पूजा करने के पीछे धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण इंद्र का अभिमान चूर करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर गोकुल वासियों की इंद्र से रक्षा की थी। माना तो ये भी जाता है कि इसके बाद भगवान कृष्ण ने स्वयं कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन 56 भोग बनाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का आदेश दिया था। तभी से गोवर्धन पूजा की प्रथा आज भी कायम है और हर साल गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्योहार मनाया जाता है। भगवान कृष्ण और माँ लक्ष्मी की करें पूजा।
इस दिन खास तौर पर अन्नकूट बनाकर गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस दिन धन दौलत, गाड़ी, अच्छे मकान के लिए कृष्ण जी और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है, ताकि नौकरी या व्यापार में खूब तरक्की मिल सके। गोवर्धन पूजा विधि। सबसे पहले शरीर पर तेल से मालिश करें, उसके बाद स्नान करें। घर के मुख्य द्वार पर गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाएं। पर्वत के पास भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखें। अब विधि विधान से पूजा अर्चना करें। सायकाल पश्चात पूजित गायों से पूजित गोवर्धन पर्वत का मर्दन कराएं। फिर उस गोबर से घर आंगन लीपें। गोवर्धन पूजा का त्योहार देश भर में मनाया जा रहा है, तो ऐसे में मथुरा में भी गोवर्धन पूजा की धूम देखने को मिल रही है। आज दीपावली के दिन कान जगाई होती है। वो कान जगाई क्या है कि गऊ आती है और गऊ के कान में ये कहा जाता है कि कल के लिए ठाकुर जी को हम अन्नकूट धराएंगे। ठाकुर जी के ऊपर जो श्रम पड़ा है उस श्रम को कम करने के लिए ठाकुर जी को अन्नकूट धराया जाता है और प्रातःकाल गोवर्धन पूजा होती है पुष्टि मार्ग के सभी मंदिरों। देखिए आज दिवाली का दिन है। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भारतवासी और हिंदू रहता है वो आज एक अलग प्रकार की अनुभूति महसूस करता है और गोवर्धन की तो महिमा ही निराली है। जिसने इंद्र का मान मर्दन किया और एक कन्या की उंगली पर पर्वत उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा की, तो हर ब्रजवासी गोवर्धन को इतने उत्साह के साथ मनाता है जैसे सभी त्योहारों को मनाता है। आज सभी को, पूरे ब्रजवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी अपने जीवन में निरंतर उन्नति करें, तरक्की करें। यहाँ पे आके हमको बहुत अच्छा लगता है और हमको इतना भाव होता है कि सारा दूसरी बार आ जाए और साक्षात कन्हैया, हमको तो कन्हैया का भाव होता है कि यहाँ द्वारकाधीश है लेकिन हमको हमारा कन्हैया दिखाई देता है। आज दिवाली के दिन बहुत अच्छा वातावरण है, लोग देखने जाते हैं, सब देखते हैं। दो इनके पहली बार देखा है ने, मानते हैं बहुत। मैं समय पहुंच चुका हूँ मथुरा और यहाँ द्वारकाधीश मंदिर में जिस तरह से गोवर्धन पूजा होती है वो मथुरा की देश भर में मशहूर है, क्योंकि गोवर्धन पूजा का जो महत्व है वो मथुरा से शुरू होता है। मथुरा में श्री कृष्ण ने जिस तरह से गोवर्धन पर्वत उठाया था उसके बाद गोवर्धन पूजा गिरिराज महाराज की शुरू हुई और उसी को लेकर के आज हम मथुरा पहुंच चुके हैं और यहां पर हम आपको बताएंगे कि गोवर्धन पूजा का क्या महत्व होता है, क्यों मनाया जाता है गोवर्धन पूजा। और मैं आपको बता दूं, ये द्वारकाधीश मंदिर है। यहां पर वैसे तो द्वारकाधीश में जो है गोवर्धन पूजा बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और यहाँ सुबह जो है गोवर्धन पूजा होती है, चूँकि जिस तरह से पूरे देश में गोवर्धन की पूजा शाम को होती है लेकिन इस मंदिर में सुबह जो है गिरिराज महाराज पूजे जाते हैं, गोवर्धन की पूजा होती है। यहाँ गोवर्धन बनाए जाते हैं, गौ माता के गोबर से गोवर्धन बनता है और उसकी यहाँ पूजा होती है। उसी के लेकर के हम बात करते हैं, यहाँ के जो पीआरओ हैं राकेश तिवारी वो हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार गोवर्धन पूजा का क्या महत्व है, कब से शुरू हुई और क्या इसका तरीका होता है। देखिए पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश में गोवर्धन पूजा सुबह होती है, ये बात सत्य है। लेकिन आपने ये पूछा कि क्यों होती है, तो भगवान कृष्ण ने इंद्र के अभिमान का दमन करने के लिए गोवर्धन पूजा का आयोजन तभी से ब्रज में होता है। पूर्व में सभी ब्रजवासी मतलब गोवर्धन पूजा से पहले इंद्र की पूजा करते थे। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, बालक ने अपनी लीलाएं की, लेकिन बालक ने सभी ब्रजवासियों से कहा कि आज आप गोवर्धन पूजा करो। उन्होंने कहा ऐसा क्यों, इंद्र नाराज हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आप करो, सब प्रभु की लीला होगी। तब जब इंद्र का पूजन नहीं हुआ तो इंद्र ने भयंकर प्रकोप किया और भगवान ने अपने 7 साल की उम्र में कन्नी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा के सभी ब्रजवासियों की रक्षा की और तभी से आज तक गोवर्धन पूजा का प्रावधान है और पूरे ब्रजमंडल में सभी जगह गोवर्धन पूजा होती है। जहाँ तक पुष्टि मार्ग का सवाल है, पुष्टि मार्ग संप्रदाय में आज दीपावली के दिन कान जगाई होती है। वो कान जगाई क्या है कि गऊ आती है और गऊ के कान में ये कहा जाता है कि कल के लिए ठाकुर जी को हम अन्नकूट धराएंगे। ठाकुर जी के ऊपर जो श्रम पड़ा है उस श्रम को कम करने के लिए ठाकुर जी को अन्नकूट धराया जाता है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।